हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से जैसा कि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सब फाइलम वर्टिब्रेट। अभी तक हम लोग कॉर्डेट स्टार्ट कर चुके हैं और कॉर्डेट के अंदर मैं आपको यूरोकॉर्डेट और सेफालोकॉर्डेट पढ़ा चुकी हूँ। नाउ वी विल बिगिन विद द सब फाइलम वर्टिब्रेट। देखिए क्या बताया गया, आप अपने दिमाग में अपने बारे में रखिए। हालांकि इसकी बहुत सारी कैटेगरी आप अपने बारे में सोचेंगे, ये सारी बातें आपको बहुत आसानी से समझ आएंगी। वर्टिब्रेट्स हैव क्रैनियम, हम सभी के हैं ना क्रैनियम सर, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, नोटोकॉर्ड, खास बात इसकी सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है और इसके बाद में एक कार्टिलेज की बनी हुई वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है। हम सभी में है हमारी बैकबोन, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो नोटोकॉर्ड होती है। हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन, यानी कि इसका हेड बहुत अच्छे से प्रॉपरली डेवलप्ड है और उसी के अंदर सारे के सारे जो हैं ऑर्गन्स प्रेजेंट है ब्रेन से रिलेटेड। एपिडर्मिस में कह रहे हैं बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसके ऊपर स्केल्स, फैदर्स या हेयर हो सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे हम बात करें, अब सिंगल लेयर तो नहीं होती ना हमारी ऊपर स्किन की लेयर, बहुत सारी होती हैं इस पे लेयर्स। उसके ऊपर लाइनिंग्स भी हो सकती हैं, हेयर्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स के केस में फैदर्स होते हैं। मसल्स तीन टाइप की होती है, आपने पढ़ा भी होगा और आप आगे भी पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तीन टाइप की मसल होती हैं। हार्ट वेंट्रली सिचुएटेड होता है, बॉडी के फ्रंट में होता है, दैट इट कैन बी टू चैम्बर, थ्री चैम्बर, फोर चैम्बर, यू विल स्टडी इन डिटेल। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, हर्ट होगा। इसमें देखिए लिम्फैटिक सिस्टम है, इसमें RBC के बारे में आप पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के लिए कोई गिल से रेस्पिरेट करेगा, कोई स्किन से, कोई लंग से। किडनीज होंगी एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इवन वाटर का और सॉल्ट्स का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, यानी ऑस्मोरेगुलेशन में भी किडनीज हेल्प करेंगी। इनका नर्वस सिस्टम, उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें न्यूरोन्स हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सारे पार्ट्स इसमें आएंगे। सेंस ऑर्गन्स होंगे बहुत सारे, जैसे आइज हैं टू सी, ईयर टू हीयर, टंग टू टेस्ट, नेजल चैम्बर टू स्मेल, एंड स्किन दैट विल परफॉर्म मेनी फंक्शंस लाइक प्रोटेक्शन। सेक्सेस सेपरेट होंगे एक्सेप्ट हैगफिश। हैगफिश एक ऐसी वर्टिब्रेट है जिसमें जो है हर्मेफ्रोडाइट है, अदरवाइज सभी में सेक्सेस सेपरेट मिलेंगे, मेल फीमेल सेपरेट मिलेंगे। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम देखते हैं क्या कुछ हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पाइसेस। तो पाइसेस यानी फिशेस के बारे में हम पढ़ना है, और वो पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, आपको दो कैटेगरीज पढ़ाई गई थी, एक बताया गया था एगनेथा यानी जॉलस, तो उन्हीं जॉलस के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज़ क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा यानी जॉलस, एक्चुअली ये फिशेस नहीं हैं, ये पैरासाइट है, यानी ये छोटे छोटे वो कीड़े हैं जो किसके ऊपर होते हैं, जो फिशेस के ऊपर छोटे छोटे पैरासाइट प्रेजेंट है उनकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। तो देखिए क्या बताया गया, ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ दे अकर्स इन सीज, सी में है ये, ठीक है। और सी में भी कहते हैं कि ये मैराइन वाटर में अगर रहते हैं तो जब ये स्पॉनिंग करते हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन का इनका टाइम आता है। देखिए बड़ा ही अलग कंसेप्ट है, फिर से सुनिए, गौर करिए, अगर आपने नहीं ध्यान दिया हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जॉलेस एनिमल्स के बारे में, जॉलेस कॉर्डेट्स के बारे में, जो है क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। ये जो जॉलेस हैं एक्चुअली ये फिश के ऊपर रहने वाले छोटे छोटे पैरासाइट हैं, ठीक है। इनके बारे में हम कह रहे हैं कि ये सी में रहते हैं, यानी ये मैराइन वाटर में हैं, पर जिस तरीके से जैसे ही इन्हें स्पॉनिंग करनी होती है, यानी रिप्रोडक्शन करना होता है, उस टाइम ये मैराइन वाटर से निकल के फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इन्हें चाहिए फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग करने के बाद कुछ दिनों में ये मर जाते हैं, बट वहाँ आना भी इनको ज़रूरी है अगले जनरेशन के लिए। तो ये कुछ दिनों बाद वहाँ मर जाते हैं क्योंकि फ्रेश वाटर को ये टॉलरेट नहीं कर पाते। इनका लार्वा वहीं रह गया है फ्रेश वाटर में, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगी, यानी एडल्ट बनेगा, और एडल्ट बनते ही वो वापस ओशियन में आ जाएगा। तो कितनी अलग सी बात आपने एक जानी पैरासाइट्स के बारे में। इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, आप इतनी NCERT चेक करेंगे उसमें आपको डायग्राम दिखाई देगा, इनका सर्कुलर माउथ है और जॉलेस है, यही खास बात है, इनकी जॉ नहीं होता इनके अंदर।
जो गिल स्लिट्स हैं, जो पोर्स होते हैं, वो 6 से 15 पेयर होते हैं। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स किसकी पहचान है? तो ये साइक्लोस्टोमेटा की पहचान है। इनके अंदर हेड या ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, इनके फिशेस की तरह, ये फिश का डायग्राम बनाया है बट वो फिश नहीं है। तो ऐसे फिश में देखो पेयर्ड में है ना, पेयर पिंस है, फिंस है, पर इनके अंदर जो फिंस होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, पेयरिंग में प्रेजेंट नहीं होते। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स को यूज़ करते हैं। इनका हर्ट 2 चैम्बर होता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पर जो कैटेगरीज पढ़ेंगे इसमें जो भी फिश वाली कैटेगरी पढ़ेंगे वो सब में 2 चैम्बर हर्ट मिलेगा। जैसे आप आएंगे रेप्टाइल और एम्फीबियन पे उनमें 3 चैम्बर मिलेगा, और एव्स और मैमल जो आखिरी की 2 कैटेगरी हैं उनमें 4 चैम्बर मिलेगा। तो इनमें 2 चैम्बर हर्ट है, यानी एक ही ऑरिकल, एक ऊपर वाला चैम्बर और एक नीचे वाला चैम्बर मिलेगा। इनके क्रैनियल नर्व्स, जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही है, वो 8 से 10 पेयर होती हैं। टैरोमाइजोन यानी लैम्प्रे या मैगजीन यानी हैगफिश जिसकी हमने बात की थी, ये इसके अंदर जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या क्या खास बातें आपने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ी? आपने पढ़ी कि ये जॉलेस होती हैं, ये सी में रहती हैं, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए आती हैं और उसके कुछ दिन बाद मर जाती हैं। लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनता है तो वो वापस ओशियन में आता है। इसका माउथ सर्कुलर टाइप का होता है और जॉलेस होता है। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। ब्रेन वगैरह इसका पुअर डेवलप्ड है और इनमें ये कार्टिलेज की बनी हुई इसकी बॉडी होती है और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। 2 चैम्बर इनका हार्ट होता है। सो दिस इज़ अबाउट जॉलेस एनिमल दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। अब देखिए आगे आपको पता है पाइसेस हमारा जो कैटेगरी है दैट इज़ पाइसेस। तो पाइसेस को पढ़ने से पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। फिश का एक स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बात है आपको आना चाहिए। तो फिश का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बनाया है, किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो देखो फिश में ये ऑब्वियसली बात है माउथ हो गया, ये आई हो गई, इसकी फिन्स होते हैं बहुत सारे। किस फिन को क्या कहते हैं? ये डॉर्सल साइड है बॉडी की, इनको डॉर्सल फिन कहते हैं। जो पीछे वाला होता है उसको कॉडल फिन कहते हैं। ये पीछे वाला पार्ट यहाँ एनस होगी इसीलिए इसके पास वाले फिन को एनल फिन कहते हैं, और जो फ्रंट वाला फर्स्ट पार्ट है वेंट्रल साइड उसको पेल्विक फिन कहते हैं। ये बॉडी के पोर्शन को हाफ हाफ में ऑलमोस्ट डिवाइड करे उसको लेटरल लाइन कहते हैं, और जो साइड पोर्शन पर एक फिन है उसको पेक्टोरल फिन कहते हैं, ठीक है। डॉर्सल फिन, कॉडल फिन, एनल फिन, पेल्विक फिन एंड पेक्टोरल फिन। यहाँ पर इसके गिल स्लिट्स होंगे, तो गिल स्लिट्स को कवर करने के लिए जो गिल्स के कवर होते हैं उन ओपनिंग को जो बंद करके रखे उसको ऑपरक्यूलम कहते हैं। हर फिश में नहीं होता, यू विल केम टू नो। तो अब हम पढ़ेंगे फिश की 2 कैटेगरीज, वन इज़ द कार्टिलेजिनस फिशेस एंड अनदर इज़ द बोनी फिशेस। तो चलिए बात करते हैं अबाउट कॉन्ड्रोकाइथिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस की हम बात करेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है कार्टिलेजिनस फिश, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो स्केलेटल होगा वो किसका बना होगा, यानी इसकी जो बॉडी होगी वो किसकी बनी होगी? वो बनी होगी कार्टिलेज की। तो कार्टिलेजिनस फिश यानी कॉन्ड्रोकाइथिस यानी हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कह रहे हैं नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, इनके बॉडी में पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड ही रहती है। ये वर्टिब्रेट में हमने ज़रूर डाला है इनको, बट स्टिल इनकी बॉडी में पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड रहती है क्योंकि बोन वगैरह कुछ नहीं आई है। उसके बाद ये कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब मैं वैसे आपको पढ़ा चुकी हूँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, फिर से बता देती हूँ। कोल्ड ब्लडेड वो कहलाते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जो चेंज करते रहते हैं बॉडी टेम्परेचर, उनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। नेक्स्ट बताया गया इनकी स्किन बड़ी टफ होती है और इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं उनको प्लैकोइड स्केल्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है प्लैकोइड स्केल्स। इनके ऊपर गिल कवर नहीं होगा, जैसे ये जो फिश बनाई है मैंने इसमें गिल कवर है, इनकी बॉडी पर ऐसा गिल कवर नहीं मिलेगा। सो अभी तक हमने कार्टिलेज फिश के बारे में पढ़ा कि बॉडी कार्टिलेज की बनी हुई है, पूरी लाइफ इनमें नोटोकॉर्ड रहती है, इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, इनकी स्किन टफ है और उसके ऊपर कार्टिलेज एक प्लैकोइड स्केल्स हैं और गिल कवर इनमें नहीं है। तो देखिए गिल कवर ना होने का क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर? जब गिल कवर नहीं होगा तो इसको जो है वो अपने मेंटेन करना पड़ेगा उस चीज़ को, क्योंकि बाहर से
गिल्स की ओपनिंग से जो है वाटर एंटर करेगा, तो इसको ऑक्सीजन वहाँ से गेन करने के लिए कंटिन्यूसली थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। चलिए और देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर, और क्या कहा है। जॉज आर वेल डेवलप, ऑब्वियस ही बात है जॉलेस तो नहीं है ये, तो इनके जो प्रॉपर डेवलप हो चुके हैं। और माउथ इसका वेंट्रल है, तो वेंट्रल मतलब नीचे के साइड इसका माउथ प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव ओपनिंग क्लोइका, क्लोइका एक्चुअली एनस की जगह नाम यूज़ होता है हम लोगों के अंदर, या और जो एनिमल्स हैं मैमल्स हैं उनके अंदर एनस वर्ड होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ओपनिंग होती है जिससे वेस्ट निकलता है उसके लिए क्लोइका वर्ड यूज़ होता है। पेयर, पेयर में होंगे फिन्स और बहुत ब्रॉड होंगे, चौड़े होंगे। हर्ट इसका दो चैम्बर होगा, वही एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। आरबीसीज ओवल शेप की होंगी और उसमें न्यूक्लियस होगा। ब्रेन से निकलने वाली 10 पेयर नर्व्स प्रेजेंट होगी। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा। एयर ब्लैडर नहीं होगा यानी एयर स्टोर नहीं होगी, तो उनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ेगा। ये एक और इनके लिए मेहनत का काम है। ये मैराइन है यानी सॉल्टी वाटर में रहती हैं, और स्ट्रीमलाइंड इनकी बॉडी है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब आप समझते हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी यानी कि इस तरीके से शेप में बॉडी होगी जिसकी वजह से पानी आराम से कट सके और ये आगे की तरफ मूव कर सके। ठीक है, इनकी जो ये बोला गया मॉडिफाइड टीथ जो है, मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल, जैसे पूरी बॉडी पर प्लैकॉइड स्केल्स हैं, वही प्लैकॉइड स्केल्स मॉडिफाई होके टीथ का काम कर रहे हैं, जिनसे ये प्रेडेशियस का काम करती हैं यानी प्रेडेटर का काम करती हैं। ये अपने प्रे को पकड़ती हैं, मारती हैं और खाती हैं। ठीक है, कुछ के पास तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होता है, जैसे टॉर्पिडो एक एग्जांपल है, इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, करंट छोड़ती हैं पानी के अंदर। कुछ के पास पॉइजन स्टिंग यानी ये जो है पॉइजन रिलीज कर देती हैं, तो आराम से करंट से मार देती हैं या पॉइजन के थ्रू मार के ये अपने प्रेडेटर प्रे को पकड़ के खा जाती हैं। मेल फीमेल इनमें अलग मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन इनका बॉडी के अंदर ही होगा। एग ले करते हैं ज़्यादातर, या फिर हो सकती हैं ये यंग वंस को बर्थडे या ओवो वीवी पैरस कंडीशन भी हो सकती है जो आपको बताया गया था। मेल्स के अंदर खास बात है कि पैल्विक फिन्स है जिस पे क्लेस्पर्स होते हैं यानी होल्ड करने के लिए, जो मेल फीमेल से इजीली कनेक्ट कर सके कॉपुलेशन के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए। इनके केस में जो ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब है उसको मुलेरियन डक्ट नाम दिया जाता है। फिर बताया गया इनके जो इंटरनल ईयर्स हैं, ठीक है बाहर ईयर नहीं होते हमारी तरह पर इंटरनल ईयर हैं, और वही ईयर इनका बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। और इनकी आई पानी में रह रही है तो पानी जा सकता है ना आँखों के ऊपर अंदर, तो इनकी आँखों के ऊपर एक निक्टिएटिंग मैम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से पानी अंदर ना जाए। तो जैसे इसके एग्जाम्पल बताए गए स्कॉलीडॉन, प्रिस्टिस, ठीक है कैक्रोडॉन, ट्राइगॉन, ये हैं। तो कुछ खास बातें, बाकी फीचर्स याद रहे ना रहे, कुछ खास बातें ज़रूर कार्टिलेजिनस फिश के बारे में आपको याद रखनी होगी। दैट इज़ कि इनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी हुई है, इनके अंदर पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड है, ये कोल्ड ब्लडेड हैं, प्लैकॉइड स्केल है, ना इनमें गिल कवर है ना इनमें एयर ब्लैडर है, इन्हें कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। टू चैम्बर हर्ट ये रखती हैं, ठीक है, और ये प्रेडेशियस है, प्रेडेटर को पकड़ के खाती हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी रखती हैं, कोई पॉइजन स्टिंग रखती हैं। इस तरीके के फीचर्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। वेंट्रल साइड इसका माउथ है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बोनी फिश पढ़ाऊँगी तो आप इसमें बोनी फिश को और कार्टिलेज फिश को साथ साथ हम ज़रूर कंपेयर करेंगे। थैंक यू, टिल देन रिवाइज द कैटेगरी साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रोकाइटिस। थैंक यू।